दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और रिलीज मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है देवा। दोस्तों इसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सेसादरी, शम्मी कपूर और इल्ला अरुंजी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुभाष घई जी ने और इस मूवी को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में हमें बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी लीड रोल में दिखाई देने वाले थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने 70 और 80 के दशक में हमें एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उनकी उस समय की सभी फिल्में ऑडियंस के दिलों में आज तक बसी हुई हैं। और उस समय की ऑडियंस इनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई थी क्योंकि जब भी इनकी नई मूवी सिनेमा घरों में लगती थी तो हाउसफुल ही होती थी। तो दोस्तों अब बात करें बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर शम्मी कपूर जी की। तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत से ही अपनी पहचान बना रखी थी क्योंकि इनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए तो वो कम है क्योंकि ये हर तरह की एक्टिंग करने में माहिर थे और इनकी सभी फिल्में आज भी यादगार हैं। तो दोस्तों अब बात करें फीमेल कास्ट की। तो इस मूवी में हमें उस समय की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस मीनाक्षी सेसादरी जी बतौर हीरोइन के रूप में नज़र आने वाली थीं जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस थीं और उनकी फिल्में भी ऑडियंस को खूब पसंद आने लगी थीं और अमिताभ बच्चन जी के साथ इनकी जोड़ी ऑडियंस को भी और भी अच्छी लगने लगी थी। तो दोस्तों ये बात है साल 1987 की जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था और अनाउंसमेंट के बाद इस मूवी की शूटिंग का भी आगाज कर दिया गया था। फिर लगभग कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर सुभाष घई के बीच कुछ आपसी टकराव के कारण इस मूवी की शूटिंग को बीच में ही बंद कर दिया गया था और फिर इस मूवी की शूटिंग को दोबारा शुरू ही नहीं किया गया था। और फिर डायरेक्टर सुभाष घई जी अपनी दूसरी फिल्म राम लखन बनाने में लग गए और ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी की धमाकेदार एक्शन से भरी मूवी देखने से हम सभी वंचित रह गए। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन जी की अगर ये देवा मूवी उस टाइम पर कंप्लीट होकर रिलीज होकर आ जाती तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।